व्हाट्सअप गाइस, आज हम देखने वाले हैं यूएई के बाद कतर में मोदी जी का जादू सर चढ़ बोल रहा। भैया मोदी जी का जादू भारत का डंका पूरी दुनिया में बोल रहा है। देखते हैं पूरी वीडियो, बहुत गजब तरीके से लोगों ने स्वागत किया है। भैया चैनल पे तो प्लीज सब्सक्राइब, वीडियो कर दे लाइक, 1 2 3 गो। भाई साहब क्या बात है, हिंदू मुस्लिम सिख है सब लोग, और इस वक्त वो सब चढ़ के बोल रहा है। कतर की राजधानी दोहा पहुंचने पर भारतीय समुदाय और कतर के लोगों ने उनका जोरदार स्वागत किया। गजब। मेरी हमेशा ये ख्वाहिश ही होती है कि देखो मोदी साहब क्या कौन से प्रेसिडेंट सेट कर रहे हैं दूसरे लोगों के लिए। तो कैसे कतर में मोदी नीति नजर आ रही है? अब इससे आगे मैं जो एक बात बताना चाहूंगा, आज मोदी साहब ने एक और चीज को वहां पे प्रमोट किया है, भारत मार्ट। यूएई के अंदर पहले वहां पे ड्रैगन मार्ट है जो चाइना की मार्ट है, जिसके अंदर हर चीज मुयस्सर होती है। आज मोदी जी ने इफ्तिताह कर दिया है भारत मार्ट का। इस दौरान भारतीय समुदाय द्वारा मोदी मोदी भारत माता की जय के नारे भी लगाए गए। जिस तरह दूसरे वज़ीर-ए-आज़म जाते हैं वो क्या करते हैं, मोदी जी डिफरेंट क्या कर रहे हैं, आने वाले दिनों में लोगों के लिए क्या वो सबक छोड़ के जा रहे हैं। जैसे ही ये गवर्नमेंट आएगी उसने आईएमएफ का नया प्रोग्राम निगोशिएट करना होगा, और आपने देखा है कि आईएमएफ कोई आसान रास्ता नहीं देती किसी को भी। उन्होंने एक कार्ड वहां पे इंट्रोड्यूस कराया रुपया, जिससे भारतीय करेंसी प्रमोट होगी। एक तो ये बहुत बड़ी सिग्निफिकेंट बात है। तार साहब ये बताइएगा कि आपको कोई इस रिकॉर्डेड हिस्ट्री में कोई ऐसा वज़ीर-ए-आज़म है जो किसी दूसरे मुल्क में जाके अपने डायस्पोरा से खिताब करे, क्योंकि मैंने तो कभी नहीं देखा। जरा इस पे भी बात करना है, इसकी सिग्निफिकेंस क्या है। मोदी है तो मुमकिन नहीं है। कह रहे हैं कि जब मेरी थर्ड टर्म आएगी तो इंडिया थर्ड बड़ी इकोनॉमी होगी, और वो होगा। जिस तरीके से भारत को प्रमोट कर रहे हैं, वो जातियात को प्रमोट नहीं कर रहे। हमेशा ये ख्वाहिश ही होती है कि देखो मोदी साहब क्या कौन से प्रेसिडेंट सेट कर रहे हैं दूसरे लोगों के लिए। जिस तरह दूसरे वज़ीर-ए-आज़म जाते हैं वो क्या करते हैं, मोदी जी डिफरेंट क्या कर रहे हैं, आने वाले दिनों में लोगों के लिए क्या वो सबक छोड़ के जा रहे हैं, ये मैं इस पे बात करना चाहूंगा। एक तो सबसे बड़ी बात ये है कि मोदी साहब ने जब कल 3.5 मिलियन डायस्पोरा है, 60,000 से 70,000 जो NRI थे उन्होंने वहां पे साइन कर रखा था उस प्रोग्राम में आने के लिए, वो वहां पे गए। और फिर उसके बाद उन्होंने फिर दोबारा वही बात की, भारत की करेंसी को प्रमोट करने की, यूपीआई को प्रमोट करने की। उन्होंने एक कार्ड वहां पे इंट्रोड्यूस कराया रुपया, रुपया कार्ड भी कर दिया, जिससे भारतीय करेंसी प्रमोट होगी। एक तो ये बहुत बड़ी सिग्निफिकेंट बात है, और ईज ऑफ। दूसरा उसके बाद उन्होंने मंदिर की बात की, जाके बैप्स जो के ऑर्गेनाइजेशन है, 11 मंदिर है उनके, नौमी स्वामी नारायण जिनको वो फॉलो करते हैं, इनकी बहुत मानता है भारत के अंदर, और 27 एकड़ के अंदर जो मंदिर बना है मार्वलस, और उसके जो सैंडस्टोन है सारे वो भारत से बन के गए। तकरीबन $85 मिलियन का खर्चा उस पे आया है, एक अमेजिंग स्ट्रक्चर खड़ा किया गया है। मैं बल्कि खुद भारत जाने के बाद वापसी पे सोच रहा था रुकूं वहां पे, और मेरी ख्वाहिश है कि अबू धाबी के अंदर एक मस्जिद है उसको विजिट करूं, इस मंदिर को विजिट करूं, दुबई शायद जाऊं गुरुद्वारा साहब, क्योंकि मेरे साथ जसदीप सिंह होंगे, वो हमेशा गुरुद्वारों को जाके उनकी भी ख्वाहिश होती है, बल्कि मेरी खुद ख्वाहिश होगी इस मंदिर को भी देखूं। ये सब मार्वलस पीस ऑफ आर्ट है जो उन्होंने बनाया है उसको, और जिस तरीके से बनाया गया है, और फिर वहां पे लोकल कल्चर को किस तरीके से सामने मद्देनजर रखा गया। वहां पे 7 उन्होंने वो बड़े स्टोन के बना के एक वो साइंस लगाए हैं जो 7 स्टेटों को रिप्रेजेंट कर, 7 यूएई के स्टेट्स को, बहरीन, इन सबको। तो उसमें देखने के लायक है वो, और मैं, मेरी ख्वाहिश है देखूं मैं, बल्कि अभी तक न्यू जर्सी मंदिर में नहीं गया, मेरे वहां भी ख्वाहिश है, मेरे दोस्तों ने मुझे इनवाइट किया है न्यू जर्सी मंदिर में जाने के, देखूं वहां जाके किस तरीके से वॉलंटियरिज्म इस दौर के अंदर देखा जा रहा है, बनाया जा रहा है। और अब इससे आगे मैं जो एक बात बताना चाहूंगा, आज मोदी साहब ने एक और चीज को वहां पे प्रमोट किया है, भारत मार्ट। यूएई के अंदर पहले वहां पे ड्रैगन मार्ट है जो चाइना की मार्ट है, जिसके अंदर हर चीज मुयस्सर होती है। आज मोदी जी ने इफ्तिताह कर दिया है भारत मार्ट का। तो दर हकीकत अगर देखा जाए तो वो जिस तरीके से भारत को प्रमोट कर रहे हैं, वो जातियात को प्रमोट नहीं कर रहे। वो कोई जो दुबई के अंदर अपने प्रॉपर्टी लेने के चक्कर में नहीं है मोदी जी, ना उनका जो साथ उनके साथ स्टाफ है, ना ही लंदन के अंदर को किकबैक ले रहे हैं, ना ही टोरंटो के अंदर वो किकबैक पे नजर आए उनकी। ये सबसे बड़ा
लेस देश के लिए कर रहे हैं हर एक चीज मोदी जी का, नेशनलिज्म को किस तरह प्रमोट करते हैं, देश को कैसे आगे लेके जाना, किस तरह प्रमोट करते हैं, उसकी करेंसी को किस तरह प्रमोट करते हैं, उसके डायस्पोरा को, मैंने तो अब इसको डायस्पोरा भी करना छोड़ दिया है, इस्तेमाल करना टेक्नोक्रेट्स को, क्योंकि अगले पढ़ा पढ़ा के बाहर भेज रहे हैं, जूते मार मार के निकाल नहीं रहे हैं, पढ़ा पढ़ा के भेज रहे हैं। इंडिया का, भारत का सबसे बड़ा दुनिया के लिए वेपन जिस वक्त है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी IIT, भाई साहब नो डाउट, जो पढ़ के यहां से निकलता है बाहर रहा है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट IIM, ये पूरी दुनिया के लिए लेसन है, बिलखसूस डेवलपिंग कंट्री जो जो के जो तरक्की करने की ख्वाहिश रखते हैं, की चाहत तो ऐसे हैं जो ख्वाहिश ही नहीं रखते ना, जिस तरह जिस कंट्री में आप बैठी हैं आपकी तरक्की की ख्वाहिश नहीं है, पाकिस्तान आपकी तरक्की की ख्वाहिश सिर्फ 5,000 लोगों को है जिनके हाथ में डंडा है और आपको मार रहे हैं, उन सबके बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं, वो तरक्की कर रहे हैं, सच्चाई है, लेकिन पाकिस्तान से बाहर तरक्की कर रहे हैं, वो जहां जाते हैं आपका CPAC, आपने आपको, मैं आज मुझे आज से पहले आज आपकी सियासत डिस्कस करने से पहले मैं बात करना चाहूंगा, अभी किसी ने कहा जी कि नून मुस्लिम लीग में से नून निकल गई है, अब मीम आ गई है, ये तो उनके कारनामे, वो जो एक एंकर थे वो गिनवा रहे थे जिसमें कोई भी कारनामा उनका अपना नून निकल गया, उन्होंने कहा जी इन्होंने हाईवेज बनाई मोटरवेज, भाई कोरिया ने बनाई थी, दिमाग खराब है आपका, कोरिया से किकबैक्स लिए थे आपने, हाँ CPAC बनाई उस पर भी किकबैक लिया आपने, कहते जी नवाज शरीफ साहब ने एटम बम बना दिया, वो आपको किसने कहा, वो भी चाइना दे के गया आपको, पाकिस्तान में ढंग की साइकिल नहीं बना सकते आप, अरे भैया सर उससे भी बड़ी कॉमेडी जो इनके लोगों ने की, वो डॉक्टर अफनान जो उनके सेनेटर भी हैं, उनका कहना जी नवाज शरीफ साहब ने प्राइम मिनिस्टरशिप को लात मार दी, तो ठीक है मारे टांगे मारे लात छोटे मारे जो मर्जी करें भाई, बादशाह है पंजाबी में कहते हैं जी जंगल का बादशाह, अंडे दे बच्चे दे जो मर्जी कर सकता है, लेकिन मैं अर्ज ये करना चाहूंगा कंपेयर करें ना इसको, आने वाले दिनों में शायद कोई इस तरह का इंसान आ जाए जो कहे कि जी मैंने मोदी जी को कम्पीट करना है, मैं मोदी जी इसको स्टडी करूंगा, आप पढ़े ना पढ़े दुनिया के पॉलिटिकल साइंस के जो इंस्टीट्यूट होंगे वहां पे पढ़ाया जाएगा कि हाउ एक बंदा उठा नेशनलिज्म को लेके आया, मैं अक्सर यहां पे लफ्ज इस्तेमाल करता था कि मोदी जी के कारनामा के उन्होंने जो भारतीय है हिंदुओं को स्टेरॉइड्स पे कर दिया है, अगर सम अप करूं ना मैं इनकी बात, उनका कहने का यही मतलब है कि मोदी जी सिर्फ और सिर्फ हिंदू धर्म रिलीजन को ही प्रमोट नहीं कर रहे बड़े लेवल पर, और प्रमोट इन द सेंस कि मतलब लोगों के बीच लेके आ रहे वो टेक्नोलॉजी को, इंडिया की तरक्की, इंडिया के लोगों को, इंडिया की करेंसी, तो इस देश के लिए सिर्फ वो धार्मिक रूप से ही नहीं चाहते कि हर जगह मतलब चर्चे हों हमारे, वो चाहते हैं कि भारत का परचम हर तरीके से टेक्नोलॉजी वाइज भी, पीस वाइज भी, कभी किसी को जरूरत है तो सबसे पहले भारत जाता है मदद करने के लिए, कोई पेमेंट करनी हो तो इंडिया की करेंसी, क्योंकि डॉलर का बहुत बोलबाला रह चुका है नो डाउट, लेकिन अगर हमेशा ही सुपर पावर, अगर आपको अमेरिका को मानना है और सबको घुटने टेक के रहना तो नहीं, इंडिया वो नहीं है कि अगर सुपर पावर बन गया तो वो डोमिनेट करेगा, इंडिया सबको साथ लेने, यार G20 में देख लो अफ्रीकन यूनियन को परमानेंट सीट दे दी थी, ठीक है, और अगर आप अभी की बात करते हो तो मोदी जी रिलेशंस बनाते हैं चाहे कतर हो चाहे दुबई हो चाहे पूरा UAE हो, क्योंकि उनको ये पता है कि आगे जाकर जब वो प्राइम मिनिस्टर रहे ना रहे आगे का फ्यूचर जो भी होगा, लेकिन भारत नेशनलिज्म उनका देश तरक्की करेगा, और वही भावना आप, हमने दो वीडियो रिएक्ट करी है चैनल पे देखना आप कि जिसमें हमने बात करी मोदी जी का कैसे सफर रहा है बचपन से अब तक, तो उनका संघर्ष रहा है, जब वो प्राइम मिनिस्टर नहीं भी थे तब भी उन्होंने सोचा था कि 370 भी हटाना है, राम मंदिर भी बनाएंगे, और हर तरीके से इंडिया को आज आगे लेके जा रहे हैं, विश्व गुरु इसलिए नहीं कहा जाएगा कि डोमिनेट करेंगे, इसलिए कि सब लोग ये सोचेंगे मदद चाहिए तो भारत है, तरक्की करनी तो भारत है, हर तरीके से भारत, और वो परचम लहरा रहा है, IIT IIM की बहुत बढ़िया बात करी सर ने, जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत, जरूर लिख देना, मिलते हैं एक वीडियो के साथ, बाय बाय, टेक केयर।